स्टूडेंट इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालपोखर में और ग्वालपोखर के महुआ ग्राम पंचायत में कल इसी वक्त जो है एक आग की घटना सामने आई थी। जो मागुरजान गांव है वहां पर तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच खाना पकाने के वक्त ये घटना सामने आई थी, उसको लेकर पूरे इलाके में हलचल पैदा हो गई थी। आज इस वक्त हम आ पहुँचे हैं, हम वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से उस आग के चपेट में कई घर आ गए और ये घर पूरे तरीके से जलकर राख हो गए। हमारे जो सहयोगी हैं हम उनको कहेंगे कि वो तस्वीरें एक बार दिखाने की कोशिश की जाए कि ये हमारे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वही मकानात है, कच्चे मकानात है, जो टीना के मकानात थे वो बिल्कुल जलकर ध्वस्त हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आग लगी थी, वो तमाम जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आप वो तस्वीरें देख सकते हैं। किस तरीके से पूरे कपड़े और खाने के सामान और जो रहने के घर थे उसमें जितने भी ज़रूरत के सामान होते हैं वो लोगों के, वो तमाम तर बिल्कुल जलकर राख हो चुके हैं। वो तमाम चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आग लगकर और आग में बर्तनें जलकर बिल्कुल राख में एक तरह से कहा जाए तो परिवर्तित हो गया है। वो तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। तो आप इस वक्त देख रहे हैं वो तस्वीरें किस तरीके से जो लोगों के, अगर कहें जो लोग जिनके घर जले हैं, हालांकि जिस तरह से बताया जा रहा है 2-3 ऐसे जो मकानात हैं जो जलकर राख हो गए 2-3 लोगों के, लेकिन उसके साथ साथ आधे दर्जन से भी ज़्यादा लोग जो है उनके मकानात इस आग के चपेट में आ गए हैं, जिससे उनके घर जलकर राख हो, चाहे वो जलावन के घर हो और चाहे वो और रहने के घर हो, वो तमाम तर घर जलकर राख हो गए। लेकिन इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करें, इस वक्त इन तमाम जो आग से जो इफ़ेक्टेड लोग हैं उनको एक तरह से हेल्प करने के लिए इलाके के कई जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो लोग इस आग से इफ़ेक्टेड हुए थे उन लोगों को जो है कुछ ज़रूरी सामान जो है ग्वालपोखर पंचायत समिति की तरफ से दिया गया। आप दर्शकों को हम बता दें इस वक्त ग्वालपोखर पंचायत समिति के जो सभापति के रिप्रेजेंटेटिव हैं गुलाम रसूल वो यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके साथ साथ जो स्वास्थ्य के कर्मोद्धक हैं अहमद रज़ा भाई वो यहाँ हैं, नाफे हबीब साहब वो यहाँ हैं। तो उन तमाम इफेक्टेड लोगों का जिनके घर जलकर बिल्कुल राख हो चुके हैं उनको जो है जो फिलहाल जो प्राइमरी जो ज़रूरतें हैं उनको मुहैया कराई जा रही है, उनको दी जा रही है। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, चाहे वो कपड़े हो पहनने के लिए, चाहे वो खाने के जो ज़रूरी सामान है वो उन लोगों के हैंड ओवर किया जा रहा है। वो तस्वीरें आप सीधे तौर पर न्यूज़ टुडे इंडिया की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं को ये लोग हेल्प में लगे हुए हैं। तो ये अपने आप में एक अद्भुत तस्वीर सामने आ रही है कि किस तरीके से जब लोग किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो जनप्रतिनिधि जो लोग हैं वो यहाँ मदद के लिए आते हैं। वो तस्वीरें इस वक्त आप सीधे तौर पर देख रहे हैं। नुकसान हो गया, हमारा 2 भाई का घर जितना सामान था सब जल गया है। कैसे आग लगा था? आग वहाँ तो खाना पकाता था ना रोजा का टाइम में, तो वहाँ से छोड़ करके थोड़ा पानी लेने गया था तब जो उधर आग बढ़ गया है। अच्छा, अभी तक जो प्रशासन है जो सरकार की तरफ से कुछ मदद मिला आप लोगों को? हाँ, बहुत मिला है, मिला बहुत मिला है। और कुछ डिमांड है आप लोगों का? डिमांड हमारा घर का डिमांड है, घर का डिमांड। हाँ, घर मिल जाए हो जाए। तो उसके लिए अभी कुछ लोग आए थे कि आपको कुछ नेता कुछ जनप्रतिनिधि आए थे कि आपके पास? नहीं, हाँ आए थे मेंबर प्रधान, सब कोई आए थे। कल जब आग जलता था तब भी मेंबर प्रधान सब कोई आया था, आज सुबह भी वो आया था, अभी भी आया है। क्या आश्वासन क्या दिया है? क्या बोला सब? क्या आश्वासन? वो तो दिया है, जो मिला है तो हमको पुत मिला है, अब बोला है भी घर भी हो जाएगा। घर हाँ। बनाने का वादा किया? हाँ, क्या क्या नाम हुआ? हम जावुद्दीन। देखिए, ये तो काफ़ी दुख की बात है कि मागुरजान जो 7-8 घर जल गया है कल, काफ़ी तकलीफ की बात है। हमको रात 10-11 बजे खबर मिला तो हम फौरन हमारे हेल्थ के कर्मधिक के रिप्रेजेंटेटिव अहमद रजा और नाफी हबीब को फ़ोन किया कि कल हम लोग 2:30 बजे जाकर पहुंचेंगे वहां पर जुम्मा के नमाज के बाद। तो अभी हम लोग आए और तो घर का तो हम देखे बुरा कंडीशन, पूरा घर जल के राख हो गया है और काफ़ी गरीब आदमी है। जहाँ तक हुआ कल हम लोग बी डी ओ साहब को फ़ोन करके, हमारे अहमद रजा नाफे बी डी ओ साहब से लेकर के कुछ जिनिस पत्र दिया गया है यहाँ पर, कम से कम खाने पाने का जो कोई परेशानी ना हो खाने पीने का, और कुछ कपड़ा वपड़ा दिया गया है ब्लॉक के तरफ से। बाकी कुछ आज हम लेके आए, मंत्री साहब फ़ोन किए थे हमको कि तुम भी कल जाके वहाँ पर पहुँचो,
मंत्री साहब हमको फ़ोन किए थे, तो हम ही फ़ोन किए थे अहमदरा जाकर नाफे को कि हम भी जा रहे हैं वहाँ पर जुमा के बाद। तो कुछ यहाँ पर कपड़ा और आपका बच्चे का जो फ़्राक होता है, लुंगी और कुछ पंजाबी, कुछ ब्लैंकेट, कुछ साड़ी और मूरी चना, ये सब रमज़ान मास है, माइनॉरिटी कम है हम लोगों का, इसमें जैसे काफ़ी तकलीफ़ ना हो इफ्तार करने में, ये सब कुछ सामान दिया गया आज। सामान तो उसका ऊपर वाला ही फुल कर सकते हैं क्योंकि पूरा जल के राख हो गए हैं। हम लोग का जितना हेल्प करने का हम लोग करेंगे अपने तरफ से, हमारे मंत्री साहब के तरफ से, हमारे पंचायत समिति के तरफ से, हमारे जिला के तरफ से, बाकी हमारे ब्लॉक के स्टाफ है उन लोग भी काफ़ी कल ये किए हैं, कल कुछ जिनिस पत्र दिए हैं उन लोग यहाँ पर, और ख़ास करके जिसका घर जला है काफ़ी तकलीफ है। हम सुनने में आया है कि एक आदमी का रुपया भी जल गया है, 3 लाख रुपया था, बेटी को शादी दिलाने के लिए रखा था, काफ़ी तकलीफ़ हुआ, नोट सब हमको दिखाया जल गया है। इसके लिए हम लोग प्रशासन लेवल जितना हेल्प करने का हम लोग करेंगे, उसका जैसे जल गया है कुछ उसको क्षतिपूर्ण मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे, मंत्री साहब भी कोशिश करेंगे, हम लोग डीएम साहब को भी भेजेंगे। দলের আমাদের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের যে আমাদের দলনেত্রী যার আদেশে যার নীতি মানে আমরা সবাই মাঠে ময়দানে সব সময় আছি আর থাকব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা কথা বলেছেন, যখন বিপদে মানুষ থাকবে আপদে মানুষ থাকবে সে সময় সব কিছু ভুলে, জাত ভুলে, তার কোন সম্পর্ক কমিউনিটিতে আছে ওগুলো ভুলে মানুষের পাশে পাশে দাঁড়ানোটাই হচ্ছে মানবতা। আমরা মানুষ বলে আমাদের পরিচয়, আমাদের পরিচয় কোনো দিন হিন্দু বলে, আমাদের পরিচয় কোনো দিন মুসলিম বলে, আমাদের পরিচয় কোনো দিন খ্রিশ্চান বলে, ঈসাই বলে আমাদের পরিচয় হয় না। এখন এখানে যেগুলো বাড়ি যেগুলো আপনি আগুন লেগেছে কালকে 5:45 মধ্যে, আমাকে আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির যে আমাদের ম্যাডাম যে আছে সভাপতি মুস্তিরি বেগম আমাকে ফোন করে নিজে বললেন কি একটা আমি ফেসবুকে হোয়াটসঅ্যাপে একটা ঘটনা দেখলাম, তুমি একটু চলে যাও। আমি ব্লক থেকে বের হওয়ার সময় আমাদের কর্মদক্ষ যে আপনাদের হেলথের কর্মদক্ষ ছিল আমাদের আহমদ রাজা সাহেব আছেন, ওনার সাথে আমরা এখানে সব থেকে আগে আমরা আসে এখানে জায়গাটার পরিদর্শন করলাম, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা দেখেছেন। আমরা আসার পর দেখে গেলাম আমাদের যে পিডব্লিউডি কর্মদক্ষ সাহেবকে আমরা কন্ট্যাক্ট করতে পারলাম, বিডিওকে কন্ট্যাক্ট করতে পারলাম, এসডিওকে কন্ট্যাক্ট করতে পারলাম, ডিএমকে কন্ট্যাক্ট করতে পারলাম, রাজ্য সরকারের থেকে যেভাবে যে সুযোগ সুবিধা মানুষ যে পাবে সে সুযোগ সুবিধা থেকে কোনো মানুষ গল্প করে ওদের মাগুর জানে বঞ্চিত হবে না, এটা আমরা আশ্বাস দিচ্ছি। কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় আপদে বিপদে মানুষের পাশে আছে, যখন লক্ষ্মী ভাণ্ডার থেকে শুরু করে রূপশ্রী থেকে শুরু করে কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে যখন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমরা এটা দেখি না কে কোন মানুষ কংগ্রেস করে, কোন সিপিএম করে, কে বিজেপি করে, কে টিএমসি করে, মানুষকে সেবা দেওয়া মানবতার কাজ। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সৈনিক হয় এটা বলতে পারি আমরা কি আগামী দিন যে কয়টা বাড়ি পুড়েছে এদের যতটা হয় আমরা সকালে আমাদের হেল্পিং হ্যান্ডের একটা ছেলেগুলো আসছিলেন আপনারা দেখেছেন, চিনি ডাল চাল যে হোক ছোটো ছোটো করে ওরা করেছে কালেকশন করে ওরা সকালে 9:00-10:00 দিয়ে গেছে। আমরা আসলাম কিট দিয়ে গেলাম, প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ ড্রেস তারপর চানা মুড়ি যেগুলো হয় আমাদের কর্মদক্ষর মাধ্যম থেকে পূর্ত কর্মদক্ষর মাধ্যম থেকে আমরা দেখে গেলাম। এরপর যে এনজিওগুলো যতগুলো যে জায়গায় আছে আমি সবাইকে আপনাকে হাত জোড়ে রিকোয়েস্ট করতে চাই আপনাদেরকে যে জায়গায় আমার কথা আপনারা শুনেন, মানুষের আপদে বিপদে আপনারা সাহায্য করতে পারবেন, সরকার যতটা করবে নিজের মধ্যেই করবে, কিন্তু যে এনজিও কেউ কোনো মানুষ যদি মাগুর জানে আপনার সাহায্য করতে চান আপনার ডাইরেক্ট আসেন এখানে যতটা হয় আপনার দিয়ে দিবেন, কেন কি আমি দেখলাম এদের উপরে একটা ছাদ নাই, একটা ত্রিপাল নাই, অনেক এদেরকে সাহায্য করতে হবে। আপনারা আপনাদের রিকোয়েস্ট করব আমরা এদের পাশে আছি, এদের কাছে আছি, আগামীতে এদের পাশে থাকি আমাদের এদেরকে সাহায্য করব। আমার কর্মদক্ষ গোলাম রসুল সাহেব কহে জিস তর লোক ডটকে গোলাম রসুল সাহেব হর জায়গায় কই ভি মুদ্দা হো জেসে জৈন গাঁও মেসে পেলে আপি কে গাঁও মে ফেজান ভাই ইয়ে হুয়া তো ইনসিডেন্ট হুয়া ইসি তরহ আগ লগ গই থি ওয়াঁ পে তো উস দিন তুরন্ত হাম লোক কহে থে নাফে ভাই আর মুঝে ওয়াঁ হাম লোক স্পোর্ট মে গে থে আপ ভি থে সাথ মে जो डिपार्टमेंट के तरफ से हो पाया था पंचायत समिति के तरफ से वहाँ दिया गया था पर्सनली हम लोग का जो जिला के पूर्त कर्मदक्ष जो हुए हैं उनके वो पर्सनली जैसे आज भी यहाँ पे पर्सनली यहाँ पे दिए सामान आकर के साड़ी दिए लुंगी दिए और आपका वो जो है लड़कियों का फ्रॉक पैंट आपका चना मुड़ी और भी दीगर सामान बहुत सारे देखा मैंने तारपोलिन इस तरह का सामान दिए वो पर्सनली वो दिए और गवर्नमेंट की तरफ से वीडियो साहब को बोल करके कल ही उन्होंने वो सामान दिलाया था स्टोव दिलाया था डेगची जो आपका डेगची है जो कढ़ाई
वो मैंने कुछ इन लोगों का सामान बचा नहीं है। आप लोग जिस तरह से ये किए रिकॉर्डिंग ये देख भी रहे हैं, जो हालत बुरी तरह से दो फैमिली का पूरी तरह से अफेक्टेड हो गए हैं। इनका नोट भी जो शादी इनका शायद बच्चे का कोई शादी था, रमज़ान के बाद उनका रुख्सती देते और आज शायद कुछ पैसा उनको मैंने देना पड़ता, वो जो इकट्ठा किए थे 3 लाख रुपये के आसपास उससे जल के पूरा ख़त्म हो गया, शायद 10,000 के आसपास बचा है। और इनका सोना था 3 भरी के आसपास जो बताया, वो भी जल करके गुम हो गया है यहाँ पर। ये फैमिली पूरा दो फैमिली जो पूरा अफेक्टेड हो गए हैं और एक वो जल भी गए हैं एक। और ये बहुत दुख की बात है, जिस तरह से हम कहते हैं कि गुलाम रसूल साहब खड़े होते हैं, मंत्री साहब कोई भी मुद्दा हो, देखिए छोटा हो बड़ा हो, जिस तरह से आके जिस तरह से हम लोग को हौसला अफजाई करते हैं, हम लोग को फ़ोन करके नहीं तुम लोग डटे खड़े रहो, कुछ भी मदद हो हमको बोलो, जहाँ तक भी होगा DM साहब को बोल के या कहीं पर भी SDO साहब को बोल कर जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। तुम लोग वहाँ पर जैसे भी कल भी पहुँचो, आज सुबह भी आए थे हम लोग और मंत्री साहब आने वाले थे यहाँ पे, ट्रेन उनका डिले होने की वजह से कल शायद 11 बजे का प्रोग्राम करेंगे और बाकी पंचायत के यहाँ पे मेंबर प्रधान सबको यहाँ पे मौजूद थे, कल भी आए थे और सुबह भी आए हैं। और कुछ NGO की तरफ से नाभी भाई बोले हेल्पिंग हैंड नाम से कुछ वो शायद भेजे थे, वो लोग भी मदद करके गए हैं, और भी कोई अगर आना चाहते हैं तो मदद कर सकते हैं। बहुत बुरी समस्या इन लोगों का, घर नहीं रहने का, तो इसके लिए क्या आप लोग पंचायत नहीं, देखिए हमारे पंचायत कर्मदक्ष हमारे सभापति के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं यहाँ पे और पूर्तो कर्मदक्ष भी हैं, जिला परिषद के हैं, तो उन्होंने कहा कि जो भी होगा DM साहब जो हो या कहीं से भी हो जैसे भी हो इन लोगों का कम से कम अगर हाउस जैसे देखिए ब्लॉक लेवल तक एक हाउस डैमेज का ही हम लोग का एक प्रोविजन है जो दे सकते हैं हम लोग, हाउस डैमेज बोल करके जो भी एक लमसम रुपये आता है 20,000 या 10,000 के आसपास, जो आपके जनगांव में भी है कुछ कोयना भिटा में जो जल गए थे वहाँ पर भी उस तरह का किया गया था, यहाँ भी इंशाल्लाह करेंगे। और अगर इन लोगों को अगर घर उर का अगर कुछ किया जाए तो हम लोग का पुरतो कर्म तो जिला के वो कोशिश करेंगे, वहाँ पे मंत्री साहब हैं ये लोग कुछ पूरा भरपूर कोशिश करें कम से कम दो फैमिली को जिस तरह से भी अगर दो घर मिल जाए तो बहुत इन लोगों का एक मैंने मेहरबानी होगा। और जिस तरह से गुलाम रसूल साहब हम लोग का एक बोर्ड काज के तरह पूरे ग्वालपोखर में जिस तरह से हम लोग को हर जगह मौजूद चले जाते हैं, हर दिन देखते हैं आप, कल भी आप देखिए डिगल वहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो।